पूरी एज से भी तबाह हो गई बे। व्हाट द हेक, मेरे को काफी तेज से। नहीं 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 तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लास्ट एपिसोड में हमने बड़ी मुश्किल से मैजिकल स्मिथ को ढूंढा था एंड उसको तीन टाइप के ड्रैगन एग देने का प्रॉमिस किया था, ताकि वो मेरे को भाई अलग अलग खतरनाक से वेपन दे पाए जिससे मैं आइस कून को हरा पाऊं। आप लोगों को नहीं पता तो आइस कून ने पूरे पूरे एसएमपी के ऊपर, मतलब पूरे पूरे एसएमपी के ऊपर एक तरह से कब्जा जमा दिया है, पूरे पूरे एसएमपी को बर्फ से लपेट दिया है, हर तरफ से आइस ही आइस है और हर वक्त बस बारिश वाला मौसम होता है, थंडर वाला मौसम होता है। इसलिए गाइस अब मैं आ चुका हूं, आप लोगों को पता होगा लास्ट एपिसोड में हमने फायर ड्रैगन को हराया था एंड उसके बाद गाइस मेरे को थ्री हेडेड ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन को भी हराना पड़ा, उनका भी एग मेरे को लेना पड़ा और देना पड़ा भाई मेरे को मैजिकल स्मिथ को। और मैजिकल स्मिथ ने भाई मेरे को एक जगह के कोऑर्डिनेट्स बताए थे जो कि एसएमपी के बहुत ज्यादा करीब है एंड उसने मेरे को बताया कि वहां पर तुझे और तेरे दोस्त शार्क को हर एक चीज मिल जाएगी जिससे तू आइस कून को हरा पाएगा। बट सीन ये हो चुका है गाइस, शार्क को आइस कून ने पहले ही मार दिया भाई, लिटरली हमने सामान देखा भी नहीं था और शार्क को पहले ही लपेट दिया गया है। एंड अब मेरे को नहीं लगता हम शार्क को कैसे रिवाइव करना है ना अगर मेरे को वापस, तो मेरे को तीन ड्रैगन एग फिर से चाहिए एंड वो अलग अलग टाइप के तीन ड्रैगन एग चाहिए और उसको रिवाइव तो गाइज हम इस एपिसोड में नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप देखोगे ना तो गाइज हमारे पास वो इन्वेंट्री आ चुकी है जो जिसकी बारे में मेरे को बात किया गया था। देखो ये इन्वेंट्री ना गाइज पहाड़ के कोने में थी एंड वो मेरे को बोल रहा है कि ऐसी ऐसी इन्वेंट्री पूरे वर्ल्ड में उसने अलग अलग जगह पर छुपाई हुई है। और भाई अगर आप वेपन देखोगे ना, ये पता नहीं कौन सी टाइप की एक्स है, ये अजीब सा ट्राइडेंट है, यहाँ पर एक अजीब सी क्रॉस वो है गाइस, एक बो है अजीब सी, एक अजीब सी फायर स्वॉर्ड है जो कि आप लोगों को पता है मेरे वाले फायर के जैसा, मैं फायर मतलब फायर में आप लोगों को पता नहीं तो मेरा जो करैक्टर है वो इस तरह से फायर वाला टाइप का, पर ये ब्लूइश फायर है और वो मेरे स्वॉर्ड के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। एंड यहां पर आप देखोगे तो गोल्डन एप्पल्स और अलग अलग टाइप के खतरनाक आर्मर, मतलब मैं तो देख के हैरान हो रहा हूं। यहां पर देखोगे तो ये वाली चेस्ट में तो गाइस देख रहे हो, मतलब ब्लू एन्चेंटेड एप्पल और कितने सारे पोशन, अल्लाइट्रा उल्ट्रा सब कुछ है भाई, एक स्टैक गोल्डन एप्पल, बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं। बट मेरे को गाइस ये चीजें भी ना कम लग रही है क्वीन को हराने के लिए, बिकॉज क्वीन ना बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है। एंड अगर हम यहाँ पर आर्मर देखिए, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा भाई ये कैसा कैसा आर्मर है, मतलब कोई अजीबो गरीब से आर्मर है। अब गाइस मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी, एक साइड तो मेरे को छोड़ देनी चाहिए बिकॉज शार्क तो अभी जिंदा नहीं, तो शार्क के लिए तो भाई मेरे को सामान छोड़ ही देना पड़ेगा। बट हम ना भाई थोड़ा बहुत सामान जो मेरे को सामान चाहिए वो मैं सामान ले लेता हूँ एंड हमारे को ना गाइस आधा सामान गाइस अपने पास रखना पड़ेगा, आधा सामानों को ई चेस्ट में डालना पड़ेगा, मतलब एंजर चेस्ट में डालना पड़ेगा, आधा सामान मेरे को कहीं और रखना पड़ेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई अभी हम मतलब इस सारा सामान को रखे कैसे। और गाइस हमारे को एक जो चीज जो आम आपको उड़ता सेवन जिस चीज से उड़ता था ना, अलाइट्रा गाइस हमारे को मिल चुकी है, अलाइट्रा भी हमारे को एक चीज मिल चुकी है। अब देखो गाइस जो अलाइट्रा चीज है ना, इसको यूज करने के लिए ना हमारे को गाइस रॉकेट्स का यूज करना पड़ता है एंड रॉकेट्स के यूज से हम इसको उड़ा पाते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे स्वॉर्ड को देखें ना, ओ भाई गाइस ये मेरी स्किन के साथ ये क्या मैच कर रही है, लिटरली भाई मेरे को लग रहा है ना गाइस मैजिकल स्मिथ ये कस्टम मेड मेरे लिए बनाई है। एंड भाई लिटरली देख रहे हो ये क्या ही तो खतरनाक दिख रही है, मतलब इसको तो हाथ में पकड़ के भाई मेरे को अलग पावरफुल ट्रैक की मतलब फीलिंग आ रही है भाई। रुको रुको, इतने सारे गाइस हमारे को एंडर पर्ल नहीं चाहिए, तो ये ना मैं इतने एंडर पर्ल दो मेरे को एंडर पर्ल चाहिए, लावा की बकेट चाहिए मेरे को ठीक ठाक, वाटर बकेट चाहिए, गोल्डन एप्पल मेरे को चाहिए एंड सिंपल गोल्डन एप्पल और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल मेरे को दोनों चाहिए। पोशन यहाँ पर फायर रेज और स्ट्रेंथ वगैरह के बहुत सारे पोशन को गाइस मेरे को अच्छे से यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे पोशन है तो इन सबको भी अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। और भाई मतलब इतनी सारी चीजें ना, बट इनको गाइस यूज मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा ताकि मैं भाई आइस क्वीन को हरा पाऊं। मेरे को शार्क का बदला भी लेना पड़ेगा बिकॉज शार्क को भाई देख लो एक शॉट में गाइस लिटरली वो मैजिकल स्टोन से, बस वो एक शॉट में मैजिकल स्टोन नहीं, मैं हर बार गलत बोल लेता हूँ, मैजिकल स्टोन नहीं होगा, वो मैजिकल टीथ है, मतलब एक तरह से ड्रैगन का वो मैजिकल टीथ है। एंड भाई रुको जरा अब वो ले लेते हैं एंड हमारे पास वो भी आ चुकी है। ओके वो गाइस ये फायरी टाइप की तो लग नहीं रही है, वैसे कोने कोने से फायरी सी। नहीं 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 भाई वो का एरो देख रहे हो तुम गाइस, जो एरो को देखो, एरो में गाइस फायर है, वो भी ब्लूइश फायर जो मेरी टाइप की फायर है। ओ भाई लिटरली गाइस ये ना भाई मतलब मैजिकल स्मिथ ना गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में गाइस एक गॉड लेवल टाइप का भाई एन्चेंटमेंट करता है। एंड वहां पर क्रॉसबो भी आ चुके हैं, क्रॉसबो गाइस बहुत पावरफुल वेपन है आप लोगों को पता है ना। और गाइस इसमें देखो इतना कुछ खास तो नहीं है, बट ये येलो सा है कुछ आगे से, तो मेरे को नहीं पता ये कुछ पावरफुल है कि नहीं होने वाला है, बट इसको तो हम यूज करेंगे। एंड ट्राइडेंट की देख लेते हैं भाई, ये ट्राइडेंट कैसा, रुको इसको हटा देते हैं पहले। एंड ये ट्राइडेंट कैसा है भाई, यार अजीब सा, मतलब यहाँ पर तो सिंपल सा दिख रहा है बट अगर आप इन्वेंटरी में देखोगे ना तो भाई मैं इसको वापस बुला सकता हूँ क्या। ओके भाई वापस आ गया ये, नाइस हमारे पास ट्राइडेंट भी आ चुका है, तो ट्राइडेंट भी अच्छी बात है। एंड हमारे पास यहाँ पर है भाई एक्स,
जो कि गाइस मेन वेपन्स में से एक वेपन है एक्स। तो गाइस यहां पर आप देखोगे ना तो ये भाई ओ ये कितनी छोटी सी लग रही है पर भाई भाई देख चलो कोई बात नहीं गाइस छोटी सी लग रही है पर कुछ नहीं पता किसको तो ज्यादा पावरफुल हुई है। एंड गाइस अभी तक ना गाइस हमको पिकैक्स नहीं मिली पिकैक्स ना मेरे को शायद से शायद इस वाली चीज के अंदर होगा पिकैक्स भी हमको चाहिए पिकैक्स बिकॉज बहुत जरूरी आप लोगों को पता ही है पिकैक्स। एंड अभी ना गाइस मैं एक और चीज कर लेता हूँ रुको रुको अभी ना गाइस मैं इन सब आर्मर में से ना चूज कर लेता हूँ बेस्ट आर्मर कौन सा और पहन के ना गाइस तैयार हो जाते हैं भाई जल्दी से। ओके तो गाइस अभी हम पूरे के पूरे तैयार हो चुके हैं मैंने गाइस बेस्ट आर्मर पहन लिया है बेस्ट हमारे पास हथियार आ चुके हैं लिटरली अगर आप मेरी इन्वेंटरी देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये एक अलग ही लेवल का लिटरली ये माइनक्राफ्ट का तो है ही नहीं ऐसा लग ही नहीं जैसे माइनक्राफ्ट का ये अलग ही स्वॉर्ड देख सकते हो आप भाई पिकैक्स देख सकते हो एक्स देख सकते हो सब कुछ इतनी खतरनाक है लिटरली अगर आप पिकैक्स को देखोगे ना ये इतनी पावरफुल है कि मेरे को अभी मैं सर्वाइवल में हूं ना और अगर आप देखोगे ये देखो मैं ऑब्सीडियन को लिटरली क्रिएटिव की तरह एक सेकेंड के अंदर माइन कर पा रहा हूं। एंड गाइज आप अगर मौसम देखोगे ना बिल्कुल रेड हो चुका है। एंड गाइज मेरे को लग रहा है अब टाइम आ चुका है वॉर पे जाने का अब टाइम शुरू होने वाला है वॉर पे जाने का अब मेरे को फाइट करना पड़ेगा अपने एएसएमपी के लिए एंड अपनी एएसएमपी के लिए जितना भी स्मार्ट में चक पा रहा था मैंने उनसे चक लिया है एंड जितना मैंने नहीं चक पाया था उतना मैंने अपनी ईचेस्ट के अंदर डाल दिया है। अलाइट्रा मेरे पास है अलाइट्रा मैं जब चेक कर दी पहन सकता हूँ ठीक है और हमारे पास गाइज रॉकेट्स भी आ चुके हैं तो रॉकेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं वाटर बकेट में अपने हाथ में पहले ले लेता हूँ। एंड अब मेरे को एसएमपी की तरफ बढ़ना है अब मेरे को यार देखना था एसएमपी का रास्ता कहाँ से है बट पता नहीं चलो मैं ऐसा करता हूँ गाइस एलाइट्रा पहन लेता हूँ और एलाइट्रा पहन के उड़ना शुरू कर देता हूँ भाई चलो। ओके तो गाइस अभी उड़ते उड़ते मेरे को पता चल चुका है कि हम एसएमपी के अंदर आ चुके हैं गाइस मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाया था कि एसएमपी का क्या हाल हुआ है बट अब मैं आपको दिखाता हूँ एसएमपी का लिटरली में क्या हाल हुआ है। एंड ये क्या साला भाई मतलब जाओ जरा इनको लपेटना पड़ेगा यार मेरे को वैसे देखो ये पावरफुल तो देखो फायर इसमें लाइक लिटरली ये फायर वाली स्वॉर्ड्स मेरे को बहुत पसंद है और भाई ये मेरे लिए कस्टम मेड बनी है भाई लिटरली मेरे लिए बिल्कुल लाइक मेरे जैसे बंदे के लिए बनाई गई है भाई ये तो ये बेस्ट मतलब मेरे लिए ना भाई इतनी अच्छी पावर मतलब मैजिकल स्मिथ ना भाई मेरे को लगा था ऐसे लेलर जा बंदा है बट वो असलियत में बहुत सही बंदा निकला एंड उसने मेरी काफी मदद की। जब वो उसने मेरे को ये बोला ना गाइस कि अभी मैं तेरे को सामान नहीं दूंगा तेरे को इस कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा सामान लेने तो मेरे को लगा था भाई वो मेरा काट गया उसने बट नहीं भाई वो अच्छा बंदा निकला और वो देखोगे भाई मेरे पास आइस की पावर भी है मैं वाटर के ऊपर चल रहा हूँ तो आइस बन जा रहा है। एंड गाइस ये देखो लाइक लिटरली उसने ना गाइस पूरी पूरी एएसएमपी के अरे परे ना गाइस ये स्पाइक से बना दी है लाइक देख रहा हूँ ऐसे स्पाइक से निकाल दिया उसने आइस के जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एंड हर तरफ भाई अब बर्फ कहीं बर्फ है कहीं कोई रुको जरा गाइस मेरे को ना एएसएमपी के अंदर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है आई थिंक गाइस मेरे को ना स्टेट कल दे क्वीन के कासल के पास जाना पड़ेगा बट यार मेरे को डर बहुत लग रहा है बिकॉज मेरे को नहीं पता गाइस ये सारे आर्मर के साथ मैं उसको हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा बिकॉज मैंने अभी तक मैजिकल स्टोन या मैजिकल टूथ मैजिकल ड्रैगन टूथ यूज नहीं किया है मैं उससे ले तो सकता था वो चीज़ें बट भाई वो ना मेरे को और महंगी पड़ती मतलब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती इस मतलब ये इस आर्मर के लिए भी गाइस ना मतलब वो बंदा बोलता है कि ये भी सिंपल आर्मर है एक तरह से एंड इस आर्मर के लिए भी ना गाइस मेरे को इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करना पड़ा मतलब इतना पैसा तो नहीं बोल सकते पर इतना टाइम वेस्ट करना पड़ा मेरे को इतना दूर तीन ड्रैगन्स को मारने जाना पड़ा वैसे मैंने तीन ड्रैगन को मारते हुए दिखाया नहीं सिर्फ एक ड्रैगन को मारते हुए दिखाया बट वैसे मैंने तीन ड्रैगन को मारा है ठीक है ना। चलो अभी पहले इन सबको यार ये सारे भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं इनको छोड़ो ना अभी स्ट्रेट चलते गाइस कासल की तरफ और भाई इतनी सारी यार यही तो मेरे को बुरा लग रहा है ना पहले जब एएसएमपी था ना भाई ऑनलाइन पूरे का पूरा एएसएमपी में ना कभी मॉब दिखाई नहीं देते हर तरफ भाई टॉर्चेस लगी होती थी तो मॉब ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे और भाई अब तो मतलब हर तरह हर कोने पे भाई ये मॉब्स उड़ते रहते देख रहे इनको देख रहे हो सालों को रुको जरा इनको सबसे पहले इनको लपेट लेते हैं सारे के सारे और भाई बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है यार मेरे को ना बारिश पसंद है लिटरली मेरे को बारिश पसंद थी बट अब तो ना मेरे को बारिश बुरी लगने लगी है जब से भाई इतनी ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है एसएमपी के अंदर और मैंने कहा जब तक वो ट्राई नहीं किया तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते देखते हैं ये वो कैसी है भाई वो तो पहुंची नहीं भाई ओके अब देखते हैं अरे भाई अभी भी पहुंची नहीं ओके अब और ये ज़्यादा आगे छोड़ो 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 इसको छोड़ो भाई मैं ज़्यादा वो करूँ। एंड गाइस देख रहो अभी तक गाइस इनमें से किसी भी वेपन का मतलब वो हेल्थ स्टार्ट नहीं हुआ आई थिंक ये मेरे को लग रहा है अनलिमिटेड वाला टाइप का है भाई जैसे देखो मैं यहाँ पे पहुँचाना है इसके बेस के पास बर्फ स्टार्ट हो गई है आनी एंड मेरे को ना उसका नेम टैग देखते देखते रहना पड़ेगा नहीं एकदम से ना आ जाए वो गाइस वो सामने है गाइस मेरे को अपना बदला लेना पड़ेगा उससे जो मेरे साथ नहीं किया ये क्या वो तो हैक लिटरली भाई साहब गाइस
साली भाई हरामी भाई, उसने मेरे को फसाया भाई, उसने मेरे को फसाया इतनी देर से, लेकिन लिटरली मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने मेरे को लपेट दिया। तू जरा रुको भाई, उससे बदला लेना। ये क्या हरकत थी भाई, मैं इतने पास में गया मेरे को लगा कोई नहीं, मतलब आराम से मैं जा सकता हूँ, बट वहां पे गाइस इसने ट्रैप बिछाया हुआ था। वो देखो बोरी बोरी बोरी, रुक जाओ यार। अरे मेरे पास ना गाइस वो भी नहीं है, कुछ ऊपर जाने के लिए ब्लॉक्स तक नहीं है, मैं ब्लॉक्स लेके नहीं आया हूँ, बट पानी यूज करना पड़ेगा मेरे को। भाई वो मार रही है गाइस, ऊपर से मार रही हो मेरे को, थोड़ा साइड साइड में जाना पड़ेगा आराम से। भाई ये अटैक कर रही है ऊपर से, रुक जा मेरे को एक बार ऊपर आने दे बेटा, कोई नहीं एक बार मेरे को ऊपर आने दे। ओ भाई ट्राइडेंट से मार लिए यार, शिट, मर 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 भाई। रुको भाई, मेरे को ज्यादा क्लोज नहीं जाना इसके, ठीक है मेरे को ज्यादा क्लोज नहीं जाना, नहीं भाई फिर से मैं ट्रैप में फंस गया। हट भाई, ओ यार भाई ट्रैप में नहीं फंसता मेरे को, इसके बार बार मैं इसके ट्रैप में फंसे जा रहा हूँ। गाइस मेरे को एक आइडिया आ रहा है, मेरे को पता क्या कर लेना चाहिए, आइडिया मेरे पास। इस आइडिया को ना वर्क करने के लिए ना मेरे को थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी अपनी इन्वेंटरी में। अरे यार ये सारा सामान मेरे पास ही वापस आया जा रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे कर लेते हैं। अरे भाई ऊपर से ये मेरे को देखना ले, मेरे को देखना ले भाई, कैक्स कहाँ है मेरी। ओह ये क्या भाई, लिटरली ये क्या है यहाँ पे नीचे, पूरा इतना बड़ा केव, ये तो मैंने देखा ही नहीं था यहाँ पे कभी भी। भाई रुको यार, मतलब कुछ बुरा हब भी होना है क्या यार। ये आइडिया मेरे पास, पता क्या आइडिया है मेरे पास, अगर इनविजिबिलिटी का पोशन है, पोशन को मार देता हूँ। एंड अरे यार मेरे पे बुक एरोज पड़े हुए हैं, बिकॉज मेरे शरीर पे ना थोड़े बहुत एरोज लगे हुए हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो एरोज को इतना नोटिस करेगी, बट बस दो एरोज दिख रहे हैं। अगर यार वो इनको देख के ना उसको ऐसा लगे कि मैं यहीं पे हूँ, पर गाइस पहुँचने वाले हम। मैंने थोड़ा और ऊपर पानी डाल दिया है, चलो। ये क्या हो रहा है, क्रीपर्स से फटने की आवाज क्या आ रही है भी? नहीं गाइस मेरे को लग रहा है ये वही यूज कर रही है, कहीं TNT वाली वो आइस बॉल्स यूज नहीं कर रही ना। वेट अ सेकंड। ओह नहीं गाइस, मैंने कुछ आर्मर भी नहीं पहना है भाई, मेरे को डैमेज भी डबल ही पड़ेगा जितना। वो दिख रही है रुको, मेरे को ना यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई। मैं यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करता हूँ घूम के, अगर मैं निकल गया ना गाइस मजा आ जाएगा, बिकॉज गाइस भाई मैं तो सोचा था उससे अच्छे से फाइट करूंगा 1v1, मैं तो कर ही नहीं पाया भाई, उसने सीधा ही मेरे को ट्रैप में बिछा दिया। एंड उसके बाद वो पता नहीं आइस बॉल फेंक रही है, वो वाले कैसे जीप से तो आइस बॉल है वो, बट कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी हमारे पास तगड़े वाले हथियार अपने पड़े हुए हैं, एंड इन हथियारों के साथ शायद से हम जीत जाए। बट मेरे को ना गाइस पता, अब झूठ नहीं बोलना चाहता मैं, बट मेरे को सच में मजाक नहीं मुश्किल लग रहा है। ऊपर ही भी पे भाई, इसको यार मेरी लोकेशन पहले पता, क्राउच करके जाना पड़ेगा ऊपर। गाइस यार मेरे को लगा था मैं इससे जीत जाऊंगा अपनी इस खतरनाक आर्मर के साथ, अब ऐसा ना हो जाए यार। मैंने वैसे अभी तक मैं इससे पूरी रियल फाइट की नहीं है 1v1 गाइस, कुछ नहीं पता अभी हमारे चांसेस हो सकते हैं। एंड गाइस जितना मैं ऊपर पहुंचे जा रहा हूँ ना गाइस, उतना मेरे को सुनाई आवाज सुनाई दे रही है। गाइस मेरे को भी आवाज आ रही है क्या, मर भाई। भाई नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा बहुत डैमेज किया, ये क्या कर रही है वो भाई, ये वो यूज कर रही है अपनी खतरनाक TNT भाई। गई नीचे गई, नाइस ओपी बोलते, अब आएगा ना मजा गाइस। रुको उसको नीचे से यहीं से मारने का ट्राई करते गाइस, भाई कोई उसको हाथ ही उड़ गई भाई, वो हो गई। अरे यार मेरे पास ओके स्ट्रेंथ का पोशन है, स्ट्रेंथ का पोशन मार के नीचे जा रहा हूं साइड से। ओके नाइस लेट्स गो गाइस, की स्वॉर्ड देख रहा हूं ये कैसी स्वॉर्ड है, मैंने को थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया है भाई, लावा के अंदर घुसी हुई है ये, मरनी थी क्या। ओके मैं थोड़ा सा यहां पर डाल देता हूं, ये ज़ॉम्बीज भी यार अभी किसी टाइम आने थे, कहां पे गई अब ये कहां है, अब ये क्या था भाई, ये ना गाइस पूरी ऊपर वो TNT फेंक रही है, क्या TNT फेंक रही है उससे लावा के अंदर, भाई ये लावा के अंदर है भाई, मेरे को लगा था इसको लावा के अंदर इसको दिक्कत होगी। और ये मेरे एरोस को क्या हो रहा है भाई, यार गाइस मेरे को सच में लगा था कि इसको एरोस से दिक्कत होगी, बिकॉज ये आइस क्वीन है, बट इसको फायर से तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही।
पानी में बिल्कुल मस्त है। नहीं नहीं भाई, मेरे को लग रहा है डैमेज तो इसको शायद पड़ा है, पता क्या इसको डैमेज तो गाइस इसको पड़ रहा है। देख लो गाइस इसको डैमेज पड़ रहा है, 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 इसकी फट तो रही है भाई। नहीं ओके यार ये भाई, नहीं नहीं गाइस ये ना कुछ, ये कुछ ना कुछ तो अजीब सा, ये जो ये आइस बॉल है ना गाइस, ये कुछ ना कुछ अजीब से मैजिक यूज कर रही है भाई इसमें यार। मेरे को ओके पीछा की नीचे की नीचे की भाई यार, अगर ये बस वन वी वन में फाइट में आता। ओके 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 मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, इसको डैमेज पड़ रहा है, इसको मोरो भाई मर मर, तेरे को मरना पड़ेगा। ये कहाँ गई, पीछे से कूद के आ गई, what the heck ये क्या, वो भाई ये क्या यूज किया इसने, नहीं 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 नहीं, इंचार्टेड खाना पड़ेगा। ओके बोरी 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 वहाँ पे तो दिख तो रही है। ओके भाई ये फिर से वो यूज करने लगी, रुको यार भाई क्या यूज कर रही है बार बार वो खतरनाक टाइप वाला। बस एक आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, ओके नाइस ओपी बोलते भाई, बाहर आ तो गया हूँ गाइस, इसको हॉल दी थी। रुक 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 जल्दी से भाई साइड में चलते, थोड़ा साइड में चलते, क्या गलत वाला सीन है भाई। इसको फेंको, ये बेकार का सारा सामान है, इसको फेंको बाहर लिटरली गाइस। भाई मैं गलत सोचा था यार, हट भी मेरे को लगा था गाइस वो फायर से मर जाएगी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो मरने वाली है कि नहीं मरने वाली। भाई मेरे को लग नहीं रहा है मैं उसको अकेला मार भी पाऊंगा, कोई बात नहीं भाई। भाई ये क्या था, अच्छा मेरे पास लाइट्रा पहना है, मेरे को लगा मैं इतना जंप कैसे आया मेरे को इतना खतरनाक वाला। ओके मैंने अपना आर्मर वापस पहन लिया है, लेट्स गो गाइस। उसका नेम टैग मेरे को नीचे दिखाई दे रहा है। ओके मैं ऊपर से एरोस फेंकते जाता हूँ, काम कर लेता हूँ ना मैं करके। ओके मैंने उसका मारा है शायद से। भाई ये क्या फेक क्या रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये आईफॉल कभी इससे डैमेज पड़ रहा है, कभी इससे बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ रहा है। और भी व्हाट द हेक, मेरी क्रॉसबो वर्क ही नहीं कर रही, मेरी क्रॉसबो वर्क नहीं कर रही, ये क्या किया इसने भाई, ये क्या कर रही है, सच में क्रॉसबो मेरा वर्क नहीं कर रहा। बस तुम लोगों ने देखा क्या, मैं इसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ, जब मैं जितना डैमेज देने का ट्राई कर सकता हूँ उतना ज्यादा डैमेज देने का ट्राई कर तो रहा हूँ, बट भाई इसको डैमेज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको डैमेज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ओके फिर से नीचे क्लोज में आ चुकी है भाई, ये जंप कर पा रही है तो ऊंचा ऊंचा तो मैं कूद भी नहीं सकता कभी। ओके ओके मैं फिर से इसको डैमेज देने का ट्राई कर रहा हूँ यार, ये पता नहीं क्या कहाँ पे जा रही है कहाँ नहीं जा रही कुछ समझ आ रहा है कि तुम लोग को गाइस। भाई मैं खुद ऊपर चले जाता हूँ पहले, यहाँ पे पास में दिखा तो रही है, मैं इसको डैमेज दे रहा हूँ क्या कूद के गई जी, क्या कर क्या रही है भी पागल जी। मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर आता हूँ। ओके भाई उरी 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 पार, ये बॉल्स फेंकी जा रही है, व्हाट द हेक, अरे भाई साहब ये क्या था, व्हाट द हेक, नहीं 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 ये क्या, ये कैसे, ये क्या है अजीब सी चीज भी भाई, मैं पहले इसने फेंका फिर मैं पता नहीं साल बाद, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस, मेरा सर घूम रहा है इसमें ये भाई। रुको 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 ट्राइडेंट वर्क करेगा क्या इसके ऊपर, नहीं फिर से इसने फेंका मेरे को इतना दूर उस दिन की तरह, इस फर्स्ट टाइम की तरह। ओके लेट्स गो भाई मैं भाग रहा हूँ यहाँ से पता, और ये नहीं पीछे आ रही है मेरे, भागो यहाँ से भाई, मेरा पोशन वर्क ही नहीं किया भाई, ये कुछ गलत सीन हो रहा है भाई, ये कुछ गलत सीन हो रहा है, ये पोशन वर्क तो कर जा, पोशन वर्क ही नहीं कर रहा क्या मेरे ऊपर भी, वो नहीं ये क्या भाई वर्क कर रहा है पर क्या नहीं कर रहा है। ओके गाइस मैं ना भाई यहाँ से भाग रहा हूँ, ये पीछे आ गई फिर से यार, ये क्या महल साली मेरे पीछे पड़ी हुई है पूरे कुत्तों की तरह, मेरी जान लेने पे तुली हुई है बे। ओके अभी भी पीछे आ रही है भाई, ये पोको नहीं कर रही है, यूज कर रही है क्या, आइडिया मेरे पास, मेरे पास यार कोई भी हार्म करने वाला ऑप्शन नहीं है क्या यार, और ये भाई यहाँ पे भी आ रही है, नहीं 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 मैंने पूरा मैं एरो फेंक तो रहा हूँ भाई, ये पीछे पीछे ऊपर आ रही है, ऊपर तक आ गई क्या, नहीं 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 गाइस हरामी भाई मेरे को छोड़ दे भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, ओह व्हाट द हेक मेरे को काफी केस है, नहीं 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 वो भाई बच गया गाइस, नहीं नहीं ये भी नीचे आ रही है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या, फॉल डैमेज इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या, और ये क्या कर रहे हैं यहां पे ये भाई, नहीं भाई नहीं 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 गलत सीन है, ये पीछे आ रही फिर से मेरे, तो गाइस वन वन फाइट करनी पड़ेगी। ओके गाइस ये स्टोन वर्क या स्टोन यूज कर रही है,
स्वॉर्ड यूज करिए बच्चे गाइस, जब स्टोन यूज कर रही है ना तो इससे दूर रहना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि स्टोन ना गाइस सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक या फिर दो तीन चार बार पांच बार ही यूज कर पाते, उससे ज्यादा बार यूज नहीं कर पाते। नहीं नहीं, देखो मैं बोल ही रहा था, फिर से यूज किया भाई। देखो समझ गया मैंने ये क्यों किया, फिर भी मैंने किया। मैं ट्राइडन अब यूज कर पा रहा हूँ क्या? ओके ट्राइडन यूज हो रहा है, लेट्स गो भाई। ओके इनको मरना पड़ेगा, मेरे को लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना पसंद नहीं है भाई। ये क्या है ये भाई? ये नहीं, 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 कुछ अजीब है इसकी पावर भाई, लिटरली कुछ अजीब और गरीब चीज की पावर है। और ये ट्राइडन मेरे पर क्यों घूम रहा है? ओके आ गया ट्राइडन मेरे पास वापिस। ओके आ गई भी अब ये वहाँ पे दिखाई दे रही है। ओ भाई ये क्या की तू तो एक ही बार में छेद कर दिया इतना बड़ा यहाँ पे भाई। नहीं नहीं नहीं, ये जो स्नोबॉल्स यूज कर रही है ना गाइस, इनमें कुछ अजीबो गरीब सी पावर्स है। मेरे को अगर ये स्नोबॉल्स मिल जाए ना कसम से मैं इसकी पूरी हालत कर दूंगा। और ये क्या चीजें भी यहाँ पे, ये क्या है? किसी का अंडरग्राउंड बेस था क्या यहाँ पे? किसी का अंडरग्राउंड बेस भी खोल दिया? नहीं 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 व्हाट द हेक भाई, लाते घुसे मार दिए मेरे को ये। अच्छी उसका लेजेंड का अंडरग्राउंड हाउस है। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? वहां पे क्या है? रुको जरा, यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस। ओ भाई ये क्या है लिटरली? ओह गाइस मैं इसको हरा सकता हूँ, शायद से मैं इसको हरा सकता हूँ गाइस। भाई मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? ओके यहाँ से निकल सकता हूँ। ठीक है व्हाट ये? नहीं 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 नहीं, मैं सोच ही रहा था वो जहाँ पे भी वो फेंक रही है वो वहाँ पे ब्लास्ट हो जा रहा है वो फिर से। नहीं यार कितनी बार उड़ाएगी ये मेरे को? ओके बच गया इस बार भी। ओके फिर आसमान में उड़ रही है भाई, टेलीपोर्ट कर रही है ये, देख वोता है टेलीपोर्ट कर रही है ये एक साथ और जानवर जो भी है ये, मतलब क्या है ये, इंसान ही वैसे तो ये। ओके ओके भाई इसको मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे फाइट करूँ, इससे फाइट फेयर फाइट है ही नहीं भाई इससे, ये कैसे भागे जा रही है? अरे परे उड़ रही है, कूद रही है भाई यार, मेरे को छोड़ दे यार भाई, क्यों मार रही है मेरे को इतना ज्यादा? ओके वैसे भाई इसने पूरा एसएमपी डिस्ट्रॉय कर दिया है और ऑलमोस्ट यार भी उसे किसी का घर तो नहीं टूटा। अच्छी बात है, मेरे को ना घर से दूर ही रहना चाहिए, मेरे को सिर्फ बता रहा हूँ मेरे को घर से दूर ही रहना चाहिए, खासकर अपने घर से दूर रहना चाहिए मेरे को। तो बताइए मेरे घर में आ जाए वैसे गाइस। नहीं ये क्या कर रही है अब गाइस? इसको मेरी आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही ना? नहीं नहीं ये मेरे घर पर अटैक कर रही है अब जानबूझ के भाई, पागल है क्या? नहीं मैंने इतना टाइम अपना वेस्ट किया अपने घर को बनाने के लिए, ये पूरा घर उड़ा देगी मेरा? नहीं ऐसा नहीं भाई, वो तो है भाई फिर से। नहीं नहीं पूछ रहा, और ये मेरे घर के अंदर बर्फ क्यों पड़ी हुई है पुत्ती ज्यादा? टूट नहीं सकता क्या ये? यार ये टूट भी नहीं रहा, देखो ये मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी गाइस। ये भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा इसने क्या मेरे ऊपर मैजिक किया है। मेरा घर गाइस, मेरा घर का एंट्रेंस पूरा उड़ चुका है। एंड ये इसको गाइस डैमेज पड़ रहा है, मैं इतना भूल चुका हूँ इसको डैमेज पड़ रहा है, बिकॉज इसके जो हालत देख रहा हूँ ना वही पूरी गर्म हुई हुई है, और ये भागे जा रही है। मतलब कभी मेरे से 1v1 फाइट कर ही नहीं रही है मेरे से, सिर्फ भागे जा रही है। अरे परे कहाँ तक भागेगी, कहाँ तक भागेगी? तुमको मरना पड़ेगा। नहीं नहीं फिर से इसने वो TNT यूज कर लिया अपने भाई, रुक जा तुमको मरना पड़ेगा यार। ये जो लेजेंड इतनी मुश्किल से बनाया था इतना बड़ा बेस, उसको भी इसने मेरे बूट तोड़ दिए इसने। नहीं शिट मेरे बूट तोड़ दिया इसने अपने बॉल से, नहीं इसने कर दिया जो फायर TNT बॉल थी इसके पास, आइस बॉल, उस चीज़ से पूरा तोड़ दिया मेरे को। रुक जाओ कहाँ तक भागेगी, कहाँ तक भागेगी? ट्राइडेंट यूज़ कर रही है ये नहीं, ये क्या था भाई? ये गाइस के पास कोई इनविजिबिलिटी भाई, ये क्या है ये? जब भी ट्राइडेंट यूज कर रही है मैं इसको नहीं मार पा रहा हूँ, उसका ट्राइडेंट ये क्या है भाई? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको मैं कैसे मारूँ गाइस, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा यार। रुको मेरे को लग रहा है इसके इसके बेस पे चलता हूँ। ये क्या हो रहा है अभी? लिटरली मेरे पोर्शंस वर्क नहीं कर रहे, मैं कुछ चीज़ तोड़ नहीं पा रहा हूँ भाई, मेरे वो एरोज नहीं चल रहे ठीक से, मेरा ट्राइडन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बस मेरा स्वॉर्ड चल रहा है ठीक से। ओके मैं इसके घर पे तो बाकी, इसने वैसे गाइस अपना कासल भी पूरा तहस महस कर दिया है भाई इसको। आयरन गोलम को कैसे ये? नहीं 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 रुको अब इसको उसके घर के अंदर ही बताऊंगा मैं कैसे खेलते हैं। आ जा नूब है, अपने घर को तो तोड़ नहीं पाएगी ना, अब बोल क्या करेगी। ये इसके घर के अंदर मैं इसको मार पा रहा हूँ, इसके घर के अंदर कोई वीक पॉइंट तो नहीं ना इसका, जिसको मैं यहाँ पे इजीली मार पा रहा हूँ। मर जा यार प्लीज यार, अगर ये एक बार मर गई ना भाई सच में मजा आ जाएगा। ओके पिकैक्स यूज करने की बारी आ चुकी है,
क्रिटिकल्स मारने की बारी आ चुकी है भाई। स्नोबॉल फिर से हाथ में निकाल ली भाई, भाग रही है भाग रही है भाग रही है भाग रही है। कहां तक भागेगी, कहां तक भागेगी बेटा, कहां तक भागेगी तू, कहां तक भागेगी? तुझको मरना पड़े। ओह क्या शॉट मारा भाई मैंने उसको। ओपी लेट्स गो गाइस, भाग रही है भाग रही है, अभी भागी कितना भागेगी भाई, कितना भागेगी? रुक जा रुक जा भाई, ये स्नोबॉल्स ये क्या है, ये भाई ये क्या है स्नोबॉल्स? ये मैं भी स्नोबॉल यूज कर पा रहा हूं। What the heck? नहीं ओ नो, ये क्या मैं यूज कर पा रहा हूँ क्या ये स्नोबॉल की पावर? वेट, अगर मैं यूज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। फटा क्या, फटा वाह, नहीं तो ही, ये क्या है भाई इसके TNT क्या है ये भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मैं इसको कैसे को यार मैं कैसे हरा हूँ इसको, इसके TNT से मैं इसको शायद हरा सकता हूँ। वो फिर से फेंक दिया इसने मेरे को, तू ये कहाँ फेंक रही है मेरे को? ओके वेट, इसके बेस पे वापस चलो, इसके बेस पे वापस चलो, इसके मेरे को लग रहा है इसके बेस पे मैं इसको हरा सकता हूँ। ये मेरे पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है, अब मेरे पीछे आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आने दे आने दे आने दे भाई, मेरे रास्ता इस रास्ता तोड़ रही है मेरे जाने वाला। यहाँ से आगे कैसे जाऊँ मैं, यहाँ से आगे कैसे जाऊंगा, मेरे को ऊपर जाना है किसी बैलत में। नहीं 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 यहाँ पे आ गई है, ओके ये नीचे गई, नाइस। नहीं वो पूरा बेस उड़ा दिया भाई, इसने अपना ही बेस उड़ा दिया, अपना ही बेस उड़ा रही है ये, वो मेरे भाई ऊपर कैसे फेंक रही है ये TNT से। नहीं 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 यहाँ से बाहर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ भाई, इसको देख रहे हो कैसे वो फेंके जा रही है भाई, उसको कोई फिक्र नहीं पड़ता उसका बेस उड़े या ना उड़े भाई। मैं फिर से लावा में गिर गया यार, मैं कैसे यहाँ से बाहर भी निकलना मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे निकलूं, और ये मेरे को बार बार भाई TNT में गिरा दे रही है। मेरे को बस किसी ना किसी तरह इसके बेस तक पहुंचना है यार। ओके गाइस मैं भाई आई इसके बेस की थोड़ा पीछे आ चुका हूँ, एंड बस अब मेरे को इसके बेस के अंदर जाना है। ये आ गई भाई, वापिस आ गई ये। ओके भाई कितना भी यूज करे तू अब नहीं बचने वाली, अब तेरे को मरना पड़ेगा भाई। शुट, मेरे को इसकी पावर यूज करना आ गया है, मैं भी अब यूज कर पाऊंगा इसको। इसको क्या लगा था ये यूज कर सकती है आइस स्नोबॉल वाली पावर सिर्फ? ओके मेरे पास फायर पावर के साथ भाई ये वाली पावर, ये कहाँ तक भाई कूद रही है इसके ऊपर, कहाँ जाएगी? देखो फाइट तो करनी पड़ेगी, अब खाना खा रही है, खाना खा रही है, इसकी हेल्थ कम हुई, इसकी हेल्थ कम हुई, इसकी हेल्थ कम हुई है। प्लीज 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 यार मर जा। और नहीं, ओके भाई ये मेरे को मौत के बिल्कुल क्लोज लेके आ रही है भाई, मैं सच में बता रहा हूँ मजाक नहीं, मैं मर जाऊंगा गाइस इसकी भाई अगर ये इस तरह स्नोबॉल्स फेंकती रही, इसकी स्नोबॉल्स खत्म नहीं बिना भाई, इसकी स्नोबॉल अनलिमिटेड है क्या भाई? पता है कितनी स्नोबॉल्स है इसके पास। ओके भाई यार एक बार ये बस फेस टू फेस आ जाए ना यार एक बार। नहीं 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 उसके घर के अंदर, इसके घर के अंदर मैं जा पा रहा हूँ, उसके घर के अंदर, इसके अंदर, घर के अंदर। ओके घर के अंदर आ चुका मैं। व्हाट ये क्या है, व्हाट द हेक? नहीं भाई ये कैसा ट्रैप था, वो भाई नहीं व्हाट भाई साहब, नहीं गाइस ये इससे ट्रैप बिछाया हुआ था क्या कोई? देखा भाई तुम लोगों ने जैसे मैं इसके बेस के अंदर गया वैसे ही भाई पूरे का पूरा तहस नहस। और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल गाइस, अब अभी अभी करो या मरो वाला सीन है। लेट्स गो गाइस, अभी रुकना नहीं भाई, अभी सिर्फ मारने का ट्राई करना है यार, मैं इसको मार भी नहीं पा रहा भाई, इतनी स्पीड में भाग रही है। ये फिर से स्नोबॉल फेंक रही है यार, हट भाई मैं इसकी स्नोबॉल से कैसे बचूं? तो इसमें पास एक आइडिया है, अगर ये स्नोबॉल इसके लिए यूज कर रही है तो मैं इसके इस पे रश करने के लिए भी तो स्नोबॉल यूज कर सकता हूँ ना। ओपी ओके गाइस कूद भाई कूद, अरे कूद क्यों नहीं रहा इससे, ये भाई वर्क क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए? ओके हम वर्क किया थोड़ा बहुत। ओ यार कहां तक भागेगी गाइस, रुक जाओ साली, भाग रही है भाई अब, जबकि खाना कूना खा रही है, कहां तक भागेगी? तेरे को मरना पड़ेगा भाई, ये क्या भाई ये क्या है? व्हाट भाई क्वीन को पहले मारना पड़ेगा, ये क्वीन भाग रही है, अरे परे भाई यार कसम से, उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया मेरे साथ से, डैमेज पड़ रहा है इसको, डैमेज पड़ रहा है, मर 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 मर, कहां तक भागेगी, कहां तक भागेगी? तेरे को मरना पड़ेगा, कीरी को मरना पड़ेगा, तूने जो किया है भाई एसएमबी के अंदर का उसकी वजह से देखो ये सब मरना तो पड़ेगा आप को, आज तेरे को भाई मरना ही पड़ेगा, मेरे हाथों में मरना पड़ेगा गाइस लिटरली। ओके भाई सिर्फ से वो स्टोन यूज करने लग जाएगी, नहीं 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 वन शॉट वाला स्टोन तो नहीं है ये,
ये और रिप भाई तो धूप फेंक दी थी इसके स्टोन से ये मेरे को। अरे यार गाइस ये वाला स्टोन अगर ये मर गई ना और अगर मेरे को ये स्टोन मिल गया मजा आ जाएगा भाई। प्लीज मेरे को वो स्टोन चाहिए, अगर मेरे को इससे स्टोन मिल गया ना वो तो मेरे को स्टोन खरीदने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और वो फिर से वो ये स्टोन यूज कर मर मर गई। हमने मार दिया इसको, हमने आइसक्रीम को मार दिया गाइस। लास्ट भाई हमने मार दिया इस क्वीन को। ओ भाई गाइस इतने टाइम के वेट के बाद भाई इतने ज्यादा दिनों तक हम भाई आइस क्वीन के नीचे रहे, ये आइस क्वीन ने हमारा पूरा एसएमपी को तबाह कर दिया। तो आज हमने भाई एसएमपी को नॉक बैक 455 लिटरली। ये क्या है शार्प, ये किस चीज के लिए यूज करती है भाई ये डंडी सी। भाई ये स्वॉर्ड देखो भाई कितनी लंबी स्वॉर्ड है। पिकैक्स, ये वाला स्टोन, ये वाला वो स्टोन वन शॉट स्टोन है भाई। रुको इसको यूज करते हैं। हीरा ओके, ये क्या है भाई, ये कैसा था भाई। भाई कितनी ज्यादा पावर आ चुके हैं बट यार पावर भाई एक चीज है बट यार ये एसएमपी का क्या हाल हो चुका है, पूरी एसएमपी तबाह हो गई भी भाई। गाइस आज का एपिसोड ना भाई यहीं पे एंड करते हैं एंड अब मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस क्या करें, एसएमपी पूरी तबाह हो चुकी है गाइस, हमारे को इसको पूरा रिबिल्ड करना पड़ेगा। ये पूरा छेद हो चुका है, मेरा घर भाई पूरा तोड़ दिया गया भाई साहब। तो गाइस यहाँ से पता चल जाएगा हमारे को कितनी डैमेज हुई है, कितनी डैमेज हुई है भाई। ओके भाई साहब गाइस आप डैमेज देख रहे हो, ये छेद हुए ना जहां जा गाइस वहां पे डैमेज हुआ है हमारे बेस पे भाई। गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में हमारे को इसको रिबिल्ड करने का कुछ सोचना पड़ेगा एंड पापा इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है भाई, इस पावर को भी भाई संभालने के लिए कुछ सीन करना पड़ेगा बिकॉज मैं मेरा जैसा बंदा इतनी ज्यादा पावर संभाल नहीं सकता भाई। जो अगर आप वीडियो को थोड़ा मजा आया तो सारे बंदे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है वीडियो में तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो फॉलो करो। बाय बाय।